हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ए टू जेड क्लासेस में। आज मैं आप लोग को क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि एक्सरसाइज 10 हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन्स चैप्टर से लिया गया है। सभी ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री के लिए बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सामान्य सूत्र Cn+2n+2 वाले यौगिक है, तो देखिए क्या क्या होता है। एक होता है Cn+2n+2, ये होता है एल्केन का, ये किसका होता है एल्केन का। एक होता है Cn+2n एल्कीन का होता है, एक होता है Cn+2n-2, तो ये एल्कीन का एल्काइन का होता है, तो ये एल्काइन का होता है। ये C नंबर का हुआ सूत्र, आई हुआ B नंबर का सूत्र, आई हुआ A नंबर का सूत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कह रहा Cn+2n+2 वाले यौगिक होते हैं, कौन होते हैं एल्केन होते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या है चला, CH4 में सिग्मा बंधन की संख्या। देखिए बंधन जनरली दो प्रकार का होता है, सिग्मा और पाई, सिग्मा बंधन और पाई, जिसे सिंगल बाउंड, तो सिंगल बाउंड में एक सिग्मा होता है, डबल बाउंड रहेगा तो एगो सिग्मा होगा और एगो पाई होगा, और यही ट्रिपल बंधन रहेगा तो ऊपर और नीचे रहता है सिग्मा, अब बीच वाला होता है पाई। तो हम लोग देखें सिग्मा में भी एक, सिंगल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, लेकिन सिंगल बॉन्ड में पाई नहीं होता, डबल बॉन्ड में एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई। तो यहाँ से हम लोग को पहचाना है, तो CH4 का संरचना देखते हैं। सी है और चार गो एच है, यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो 2 का ऑप्शन हमारा क्या हो गया ए नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक और शेयर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3, एल्कीन निम्न में कौन अभिक्रिया देती है। तो एल्कीन किसको बोला जाता है, जब सी और सी के बीच में डबल बाउंड रहे तो उसको बोलते हैं एल्कीन। दो कार्बन का रहेगा तो इथीन होगा, मतलब अलग अलग कार्बन कितना हो रह जाए लेकिन डबल बाउंड रहे, तो वो योगात्मक अभिक्रिया भी देता है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देता है, मतलब एडिशन भी और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी, एडिशन रिएक्शन भी और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो दोनों हो जाएगा। तो आंसर हमारा सही क्या हो जाएगा, दोनों, योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों, तो 3 का सही आंसर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बेंजीन के क्लोरीकरण करने में क्रियात्मक अवयव है, मतलब बेंजीन का जब क्लोरीकरण करते हैं तो वहाँ पर क्रियात्मक अवयव क्या होता है, क्रियात्मक अवयव Cl+ होता है, क्या होता चला Cl+, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इथाइन में पाई बंधन की संख्या, तो देखिए इथाइन है तो मतलब ट्रिपल बंधन रहेगा, इथाइन मतलब दो कार्बन और बाई यानी है, तो यहाँ पर ट्रिपल बंधन रहेगा, तो एगो ऊपर वाला पाई, एगो नीचे वाला पाई, अब बीच वाला होता है सिग्मा, तो पाई बंधन की संख्या कैगो हो गया, दो गो हो गया, तो दो ऑप्शन कहाँ है बी नंबर में, तो 5 का सही आंसर क्या होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम 6 देखते हैं। DDT कैसा किससे बनता है, मतलब DDT जो पदार्थ है वो किसको किसको मिलाने से बनता है, उस पदार्थ का नाम बताना है। पहला नंबर देखिए लिखा है बेंजीन एवं क्लोरोबेंजीन, बी नंबर में क्लोरल एवं क्लोरोबेंजीन, सी नंबर में क्लोरो एसिड और डी नंबर में एथिल
क्लोराइड। तो बेंजीन डीडीटी जो बनता है चला, क्लोरल से बनता है और क्लोरो बेंजीन से बनता है। किससे किससे मिलकर बना होता है? क्लोरल और क्लोरो बेंजीन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बेंजीन से अभिक्रिया कर सिल्वर के बेंजोएट बनता है। बेंजीन से कौन अभिक्रिया करके सिल्वर बेंजोएट बनाता है? मतलब बेंजीन से कौन सा पदार्थ अभिक्रिया करेगा कि सिल्वर बेंजोएट बनाकर प्रतिफल के रूप में देगा? तो बेंजीन से अभिक्रिया कौन करता है चला? तो C6H5Br, मतलब ब्रोमो बेंजीन। बेंजीन से ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया करवाएंगे, बेंजीन से ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? सिल्वर बेंजोएट। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, मतलब कार्बनिक ठोस के शुद्धता की पहचान कैसे किया जाता है? तो उसके गलनांक से किया जाता है। गलनांक नियत रहता है, मतलब फिक्स रहता है, तो वो शुद्ध कार्बनिक कहलाता है। तो कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या बताता है? गलनांक बताता है। तो 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग चलते हैं कि 9 में क्या कहता है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक तैयार करने में घोलक प्रयुक्त होता है, मतलब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जब बनाते हैं, तैयार करते हैं या बनाते हैं, तो किस घोलक का प्रयुक्त किया जाता है? तो ईथर का प्रयुक्त किया जाता है। किसका चला? ईथर का। तो 9 का सही आंसर क्या होगा? ए, मतलब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनाने में किस घोलक का प्रयुक्त? तो ईथर। तो 9 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10, हाइलो एल्केन्स में सी का प्रसंस्करण क्या है? प्रसंस्करण, सपरबिंदु कराना, प्रसंस्करण, इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या लिखा ले चला? प्रसंस्करण, इसी को बोला जाता है हाइब्रिड। तो हाइलो एल्केन बोल रहा है, तो हाइलो एल्केन में कार्बन की प्रसंस्करण जैसे सी है, इसमें ए गो एक्स जोड़ दिए, बाकी एच रहेगा। तो 4 गो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड 4 गो हो गया, 4 गो सिग्मा बॉन्ड, तो इसका प्रसंस्करण यस हो जाएगा और पी में 3 हो जाएगा, तो यस पी 3। यहाँ पर 2 रहता, अगर जो 2 गो सिग्मा बॉन्ड आता तो यस और पी होता, तो यहाँ पर 4 है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसलिए यस पी 3 हो जाएगा। तो 10 का आंसर ए होगा, यस पी 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? हाइलो एरिंस में सी पर संकरण रहता है। तो हाइलो एरिंस कहते किसको, ये पहले जान लीजिए। तो बेंजीन रहता है चला, एक अल्टरनेट डबल बाउंड आता है तो इसको बेंजीन बोलते हैं, इसी में हाइलोजन, तो हाइलोजन के लिए एक्स लिखा जाता है, तो हाइलोजन ग्रुप जोड़ दिए, तो इसमें कार्बन का प्रसंस्करण बोला जाता है। यहाँ पर बाकी में सब में एच रहेगा, एकक बाउंड से सब में क्या रहेगा? एच रहेगा। तो ये हुआ हाइलो एरिज, तो कार्बन का प्रसंस्करण। तो देखिए 4 बंधन पूरा होल है, जैसे इस कार्बन को ही ले लेते हैं, तो 4 बंधन, 1 2 3 4, 4 बंधन हो गया, तो ए गो सिग्मा पाई यहाँ पर रहेगा, ए गो सिग्मा पाई दूसरा और तीसरा, ये तो पाई बाउंड हो जाएगा। तो सिग्मा पाई का बाउंड कितना हो गया? 3। तो 3 में क्या लिखाएगा? ए गो यस में और 2 गो पी में, यस पी 2। तो यस पी 2 ऑप्शन नंबर किस में है? बी नंबर। तो 11 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई, कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंधन की लंबाई क्या होती है, वो हम लोग को देखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच जो बंधन बनता है, बॉन्ड बनता है, वो क्या होता है। तो एकल बंधन की लंबाई होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये जो लिखते हैं हम लोग ए पर ऊपर बिंदु, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो 12 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। कार्बन की संयोजकता होती है,
कार्बन की संयोजकता मतलब वैलेंसी, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6, तो इसका संयोजकता 2, 4। देखिए बाह्यतम कक्ष में कितना है 4 है, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा 4 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं 2, 4। क्वेश्चन नंबर 14, इथेन में कार्बन का परसंकरण, संकरण बोले या परसंकरण बोले दोनों सेम होता है, संकरण को ही परसंकरण भी बोला जाता है, तो संकरण बोला जाए या परसंकरण, तो इथेन बोल रहा है, तो इथेन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, इथेन में क्या रहेगा सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो सिंगल बॉन्ड है तो सब में 4 बॉन्ड रहेगा, 4 गो सिग्मा, तो 4 गो सिग्मा में क्या होता है sp3 हो जाता है, तो 14 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, चला उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, मतलब सबसे यहाँ पर चारों ऑप्शन में उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो देखिए ऑप्शन दिया है चारकोल, हीरा, ग्रेफाइट और शीशा, तो देखिए हीरा, शीशा, चारकोल ये सब खुद आप देख रहे हैं कि विद्युत का चालक बहुत नहीं के बराबर, मतलब शीशा और हीरा में तो विद्युत चालक होबे करता है, तो कौन होता है ग्रेफाइट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है, मतलब कौन एल्डोल अभिक्रिया करने में क्या करता है पार्टिसिपेट करता है, तो ऑप्शन क्या होता है CH3CHO, मतलब दो कार्बन का एल्डिहाइड, कितना कार्बन का, दो कार्बन का एल्डिहाइड क्या करता है संघनन, एल्डोल संघनन में भाग लेता है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो गया बी हो गया, 16 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, चला सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में CH3COH, सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल, कौन अम्ल एसिटिक अम्ल, दो कार्बन के अम्ल, तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एनिलीन में पाई बंधनों की संख्या, पाई बॉन्ड लिख दिया है BOND अंग्रेजी में, हिंदी में यही लिखाएगा बंधन की संख्या, कि एनिलीन में कितना बंधन होता है, एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या, तो एनिलीन कहते किसको चला, तो बेंजीन रहता है, बेंजीन में जब NH2 जुटा हुआ रहे एक बॉन्ड से, तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड रहता है, ई वाला नहीं रहेगा तो ई देने की जरूरत नहीं है, तो डबल बॉन्ड को तो ही पाई बॉन्ड बोलते हैं, तो 1 पाई 2 पाई और 3 पाई, तो पाई बॉन्ड की संख्या 3, तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हम लोग, 19 में क्या कह रहा चला, निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत है, कि निम्न रूपों में अपरूप में कार्बन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो कार्बन का सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसमें होता है ग्रेफाइट में होता है, तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, एल्किल हैलाइड मतलब एल्काइल हैलाइड है उसको अल्कोहल में बदलना है, जैसे RX ये अल्काइल हैलाइड हुआ, इसको बदलना है किसके साथ अल्कोहल में ROH में, तो ये किस अभिक्रिया द्वारा संभव होता है, मतलब अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है किस अभिक्रिया द्वारा, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, मतलब क्या होगा OH ग्रुप जो है X को हटा के बैठ जाएगा, OH के जगह X के जगह पर क्या बैठा हुआ है OH बैठ गया, तो ये हो गया अल्कोहल, तो कौन अभिक्रिया विस्थापन, विस्थापन का मतलब ही होता है कि किसी ग्रुप को हटा के वहाँ पर क्या हो जाना बैठ जाना, तो यक्स के जगह पर हैलाइड के जगह पर हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप बैठ गया अल्कोहल का ग्रुप, तो 20 का सही आंसर क्या होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हम लोग, क्या कह रहा चला, क्वेश्चन नंबर 21 में कि CH3 आइडोफॉर्म का सूत्र है, किसका सूत्र है में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है, तो ये तो इसका नाम हुआ आइडोफॉर्म,
एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या बनता है इसमें, कि कौन से कारण के किस कारण से आयोडोफॉर्म को एंटीसेप्टिक कहा जाता है, किस कारण से आयोडोफॉर्म को एंटीसेप्टिक कहा जाता है। तो ये क्या करता है, आयोडीन मुक्त होकर निकलता है, क्योंकि इससे आयोडोफॉर्म से क्या होता है, आयोडीन मुक्त होकर निकलता है, जिसके कारण ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए ईथर यमजी डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया करता है, किसके साथ प्रतिक्रिया करता है। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में क्या डालना है, ईथर यमजी, ईथर तो रहेगा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए, ईथर रहेगा, यमजी डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया करता है ये हम लोग को बतलाना है। तो C2H5Cl मतलब क्लोरो इथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन C2H5Cl। तो 22 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, एल्केन का समान सूत्र, एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होगा, एल्कीन ये हुआ एल्कीन का समान सूत्र, ये हो गया एल्काइन का समान सूत्र, एल्केन का समान सूत्र सही कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 23 का आंसर क्या होता है, चला ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एल्कीन का समान सूत्र, तो एल्कीन का समान सूत्र CnH2n क्या हो जाएगा, CnH2n, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, एल्काइन का समान सूत्र, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, एल्काइन का समान सूत्र क्या होगा, तो एल्काइन का होता है क्या, CnH2n-2, प्लस नहीं है यहाँ पर, -2 है, तो CnH2n-2 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन द्वारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अवकृत होकर इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH देता है, C2H5OH देता है, मतलब किसके साथ अभिक्रिया करवाया जाए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो कि अवकृत होकर C2H5OH देता है, तो CH3COCl, तो ऑप्शन नंबर ए। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एसिड क्लोराइड का सूत्र था। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, सबसे स्थित कार्बोनियम कौन सा है, स्थित मतलब स्टेबल, सबसे स्टेबल कौन है, सबसे स्टेबल वाला कार्बोनियम कार्बन पर प्लस आवेश रहता है, तो 3 डिग्री वाला कार्बोनियम कौन होगा, 3 डिग्री, 27 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेही है, केंद्र स्नेही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, तो CH3O+, C+ यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर C- है, यहाँ पर C+ है, और CH2 है, यहाँ पर CH3 और C+। तो देखिए पहला ऑप्शन और सी नंबर ऑप्शन दोनों क्या है, सेम हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन में, टाइपिंग में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 29 की ओर चलते हैं। OH तथा RO उदाहरण है, OH तथा RO उदाहरण है, 29 में क्या करता है, अल्कोहल और RO मतलब ईथर हो जाए वो ग्रुप है, उदाहरण किसका है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का, या दोनों का। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, नाभिक स्नेही। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पर O+ ही है चला, यहाँ पर हम लोग C+ जो कर दिए थे, यहाँ पर क्या रहेगा, O+, क्वेश्चन सही है, O+ है। तो ये सबसे केंद्र स्नेही है, सबसे ज़्यादा केंद्र स्नेही क्या है, CH3O+, CH3OP+। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं, क्या कह रहा है, एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया प्रदान करती है, मतलब SN1 अभिक्रिया करवाने पर क्या बनता है,
तो इसमें रश्मिकरण बनता है। संरचना का प्रतिलोमन केवल बनता है किसमें, SN2 रिएक्शन में। इसमें फ्रंट साइड से भी जुड़ता है और बैक साइड से भी जुड़ता है। SN1 रिएक्शन में फ्रंट साइड से भी जुड़ता है और बैक साइड से भी जुड़ता है, तो उस दोनों के मिक्सचर को हम लोग रश्मिकरण कहते हैं। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये हम लोग देखे एक्सरसाइज 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखे चैप्टर नंबर हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन्स से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो इसी तरह से हमारे प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।